ओके पता नहीं ऐसे हुआ होगा या नहीं. सो या ऐसे हम दोबारा मिल गए कि किस्मत बड़ी. कैसे हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं. यहाँ पे हम क्यों हैं आपको पता है, ये मेरा ऑफिस है, मेरा स्टूडियो है, यहीं पे मैं वीडियो शूट करती हूँ या मेरे दफ्तर का काम करती हूँ. दफ्तर का काम मेरी सिमार लैशेस का, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, मेरी एक लैश लाइन है simarlashes.com. अगर आपने अभी तक लैशेस नहीं ली हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, खरीद लें. हमारे पास मिंक लैशेस हैं, फॉक्स मिंक, एंड दे आर हैंडमेड. 9 डिफरेंट स्टाइल्स हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. जो मैंने आज स्टाइल पहन रखा है ये है पंजाब. इतना तैयार मैं क्यों हूँ? क्योंकि मैंने वीडियो शूट की है डे टू नाइट मेकअप लुक, जो मुझे लगता है कि आप ने ऑलरेडी देख ली होगी. आज का व्लॉग मुझे लगता है नहीं कि मैं आज ही फिनिश करूँगी, हो सकता है ये बहुत सदियों के बाद फिनिश हो, लाइक 2-3 दिन के बाद. यस, पर मैंने सोचा कि स्टार्ट कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं, देखी देखी जाएगी. और मैंने ये इंट्रो भी शूट की है मेरे हेयर हाईलाइट वीडियो की. यस, मैंने मेरे बालों को हाईलाइट कर लिया है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे. एक्चुअली मेरे चैनल पर ऑलरेडी 2 वीडियोज़ हैं, बट फिर भी अपडेटेड जाना चाहते थे, तो मैंने सेम प्रोसेस ही यूज़ किया. मेरे बाल ऐसे हो गए, और बहुत सारे लोग प्रोसेस यूज़ करते हैं सेम, पर कुछ लोगों की कंप्लेंट है कि वो ब्लीच उन पे काम नहीं कर रही है. तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम दोबारा से कर लें कि काम करती है या नहीं करती है. आप देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा ब्लीच हो गए मेरे बाल सिर्फ 15 मिनट में, लेस देन 15, क्योंकि मैं ज़्यादा देर नहीं रखना चाहती थी. और अब मुझे मेरे बालों को करना है ब्लैक, तो मुझे लगता है कि मैं आज ही कर लूँगी. हो सकता है कल करूँ, हो सकता है आज ही कर लूँ. मेरे बालों को मैं काला करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने मेरे बालों को स्ट्रेट नहीं किया. मुझे लगा कि और क्यों हीट यूज़ करनी है, या काले करने के बाद ही करेंगे. मेरे बाल नेचुरली ऐसे हैं, क्योंकि जब मेरे बाल कर्ली होते हैं तो दोस्त कहते हैं कि तुमने कैसे स्टाइल किया है बताएं. बहुत सारे दोस्त जो पुराने हैं उनको तो पता होगा कि मेरे बाल नेचुरली ऐसे हैं. जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि या मेरे बाल नेचुरली इस किस्म के हैं. और एक फ़न बात बताऊं, मेरे बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हुआ करते थे पहले, अब तो काफ़ी कम हो गए हैं, क्योंकि 2011 में मैंने मेरे बालों को परमानेंट स्ट्रेट करवा लिया था. परमानेंट कहते हैं उसको जो 5-7 महीने रहता है, उसके बाद मेरे बालों का वो जो रियल टेक्सचर था वो वापस नहीं आया. बहुत ज़्यादा कर्ली हुआ करते थे. एंड जब मैं मेरे हस्बैंड को पहली बार मिली थी, लाइक जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा था, तब उन्हें मेरे बाल ही सबसे अच्छे एंड यूनिक लगे थे. क्योंकि कर्ली बाल, बहुत ज़्यादा कर्ली, बहुत आसानी से मुझे लगता मिलते नहीं है, कुछ कुछ गिनती चुनती के लोगों के होते हैं. तो उन्हें मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लगे. यार पता नहीं मैं आपको मेरी लव स्टोरी कब सुना पाऊँगी, पर जिस दिन सुनाऊँगी उनको भी साथ में बिठा के सुनाऊँगी. सो या उस जगह पे उन्होंने मुझे पहली बार देखा, मेरे बाल देखे और मेरी आँखें देखी, वो सेड कितनी ब्यूटीफुल आईज. ओके, आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पर ऐसे उन्होंने मुझे कहा. पता नहीं उनके दिल में क्या आया होगा या नहीं, बट देन हम अपने रस्ते चले गए. और मुझे लगता है कि 1 महीने के बाद दोबारा से हम मिल गए. और दोबारा से मिल गए, लाइक हमने कौन सा बात की थी, पर मुझे पता था कि ये जो बंदा है लाइक इंटरेस्टेड है मुझ में. सो मैंने इनको देखा बाज़ार में घूमते हुए, मैंने कहा कि ओह ये तो वही लड़का है. उन्होंने भी मुझे पहचान लिया, उन्होंने कहा ओके पता नहीं ऐसे हुआ होगा या नहीं. सो या ऐसे हम दोबारा मिल गए कि किस्मत ने हमें दोबारा से मिलाया. और ये बहुत ज़्यादा फिल्मी है, क्योंकि हम दोनों डिफरेंट सिटीज़ से हैं, और हमारी सिटीज़ ऐसी हैं कि हमारे एक दूसरे के शहरों में रिश्तेदार भी नहीं रहते हैं. कि किसी भी तरह हम एक दूसरे के शहर नहीं जाएंगे, क्योंकि बंदे के कोई फ्रेंड्स हो रिश्तेदार हों तो उसके शहर में जाते हैं. मुझे लगता है कि मेरी फैमिली में सिर्फ मैं ही हूँ जिसकी शादी उस साइड पर हुई है. सो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि इसकी शादी वहाँ होगी. ऐसा लगता है कि है तो पंजाब में ही, पर ऐसा लगता है कि उस साइड शादी करना लाइक पंजाब से दिल्ली शादी कर देना, ऐसा लगता है उनको. पर या रब ने बना दी जोड़ी. और पता नहीं ये बात कहाँ से शुरू हुई थी, ओ बालों से शुरू हुई थी. सो या बालों की स्टोरी यही है. और हिम्मत का स्कूल फिनिश होने वाला है. आज मेरा बहुत बिजी दिन था, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं. अब मुझे मेरे दिवाली का आउटफिट भी डिज़ाइन करना है, पर मैं पूरा आउटफिट नहीं डिज़ाइन कर रही हूँ, मैं सिर्फ टॉप करूँगी, क्योंकि मेरे पास कुछ वेलवेट के कपड़े हैं. हो सकता है कि उनमें से किसी का बना लूँ, पर पूरा श्योर नहीं है. अगर
मेरी सेहत इजाज़त देगी ज़्यादा काम करने के लिए तभी मैं करूँगी। अब फिलहाल के लिए डाउनस्टेयर जाके चाय पानी का बंदोबस्त करती हूँ क्योंकि मुझे रेस्ट करनी है। मैं काम कर रही हूँ 8:30 से, कुछ ना कुछ करती जा रही हूँ और 2 बज गए हैं अभी। मुझे कुक भी करना है और बहुत सारे काम है दोस्तों, क्या बताऊँ। सो या चलिए नीचे मिलती हूँ मैं। यू गाइस आर स्टिल हियर, प्लीज़ गो। सो दिन की शुरुआत हम करेंगे मेरे बालों को रंग करने से क्योंकि ये बाल मुझे बहुत वियर्ड लग रहे हैं। ये काम बहुत ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है क्योंकि बाल कर लिए हैं आज। ब्रश करेंगे बाल कुछ इस तरह के दिख रहे हैं कॉम करने के बाद। ऐसे बालों को कलर करना कितना मुश्किल होने वाला है। हेलो दोस्तों, सो मैं वापस आ चुकी हूँ टेलर मास्टर के रूप में। सो सबसे पहले हम लेने वाले हैं येलो कपड़ा। इसको मैं काट लूँगी वैसी लेंथ में जितना मुझे चाहिए और चौड़ाई भी हम उतनी ही रखेंगे जितनी हमें हमारी कमीज़ की चाहिए। और लेंथ एक्चुअली मैं काफ़ी लंबी रखने वाली हूँ और एक्स्ट्रा कपड़े को मैं काट दूँगी और अपने इस सिंपल से सूट की कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद हम करेंगे जादू, मतलब कि सिल लेंगे इसको। और मैंने गला थोड़ा सा काट लिया है और आर्म्स की शेप दे दी है और फिटिंग की मार्क्स कर लिए हैं जो बाद में गुम जाएंगे, फिर से करने पड़ेंगे मुझे। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी गला बनाने से। इस बार मैं गला वी शेप का बनाना चाहती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा बड़े गले पसंद नहीं है, तो हम छोटा सा गला बनाएंगे। पर वी शेप का बनाएंगे और जो सेटअप है आज ये मेरी सिलाई का, हिम्मत के रूम में करने वाली हूँ मैं क्योंकि रात होने वाली है और हिम्मत के रूम में लैम्प की सेटिंग ऑलरेडी है उसके स्टडी टेबल पे, तो उसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाएंगे। इसको मैं कुछ डिफरेंट ढंग के सिलने वाली हूँ। इसको मैंने मिडल से काट लिया क्योंकि मैं स्लिट बनाना चाहती हूँ कि थोड़ा डिफरेंट लगे, क्योंकि इस पर मैं बहुत ज़्यादा कोई कलाकारी तो करूँगी नहीं, रखूँगी सिंपल ही क्योंकि मुझे सिंपल ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पर फिर भी मैं मिडल स्लिट वाला बनाना चाहती हूँ, उसके लिए मैंने इसको मिडल से काट लिया है। अब मैं इसमें ये गोल्डन पाइपिंग सी लगा रही हूँ मिडल में, देन इसको अटैच करेंगे, देन गला बनाएंगे। गोल्डन इसके लिए क्योंकि ज़्यादा जो मेरे पास कपड़े हैं गोल्डन हैं, क्योंकि मुझे गोल्ड कलर सिल्वर से ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मुझे लगता है कि अगर ये गोल्ड करूँगी मैं इस पर वर्क, तो ये बहुत सारी चीज़ों के साथ जा पाएगा, लाइक बहुत सारे बटन्स के साथ मैं इसको पहन सकती हूँ। मैं इस वीडियो के बाद मैं कोशिश करने वाली हूँ कि इसको कैसे 5 डिफरेंट ढंग से मैं स्टाइल कर सकती हूँ, आपके साथ शेयर करूँ। सो यस, पहले हम इस गोल्डन को इसके साथ अटैच करेंगे। वैसे इस येलो का कलर भी बहुत ज़्यादा गोल्डी सा है, तो ये गोल्ड इतने आराम से तो दिखेगा नहीं, पर या स्टिल दिखेगा। ऑलराइट, सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसको काफ़ी बड़ी है अंदर कपड़े को इंसर्ट करके समथिंग लाइक दिस सिलाई करेंगे। सो अदर वन को फोल्ड कर देंगे, सो दैट विल बी ईजी। सो या जल्दी से सिल लेते हैं इसको, उसके बाद बाकी के काम करेंगे। ऑल राइट दोस्तों, तो गला हो चुका है, पर गला मैंने गलत हो गया था और सारा दोबारा करना पड़ा है मुझे, पर अब काइंडा रेडी है। सिर्फ गला ही बना है और ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, मुझे डिनर भी कुक करना है एंड हिम्मत हंगरी राइट नाउ और उसको भी कुछ बना के देना है एंड मुझे शिपिंग के लिए भी जाना है। सो मैनी काम हैं,
मुझे मेरा मन था कि आज मैं कर पाती कंप्लीट, पर मैंने पूरा दिन क्लीनिंग में स्पेंड कर दिया और अब मेरे पास समय नहीं है। अब मैं जाऊंगी नीचे, बाकी जो बचे हुए काम मैंने आपको गिनवाए हैं वो करूंगी, एंड वी गोना ट्राई कि हम लोग कल करें इसको। मैंने गला बनाया उसको, मैं एक्चुअली सुई के साथ थोड़ा कर रही हूँ कि वो सेटल हो जाए, क्योंकि अभी उल्टा पुल्टा लग रहा है। मुझे ये एरिया को क्लीन भी करना पड़ेगा, क्योंकि कल हिम्मत को ये क्लास के लिए यूज़ करना है, या फिर मैं उससे किसी और जगह बिठा दूँगी एंड मैं यहाँ पे काम कर लूँगी। लेट्स सी, बंद करते हैं अब दुकान को, चलते हैं नीचे। ऑलराइट, मैं सारे काम कंप्लीट करके आ चुकी हूँ और मैं थोड़ा सा और करने वाली हूँ यहाँ पे काम, क्यों एक दो घंटे देते हैं। ये गलत लगा दिया है मैंने, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं इसको उतारने वाली हूँ, ये भी बड़ा काम है। ओके दोस्तों, सो आउटफिट से ननी से ब्रेक लेके मैं कुक करने वाली हूँ मेरा डिनर, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिल जाएगी कि अब मुझे और कुछ नहीं करना है, देन हम लोग मेरे आउटफिट को कंटिन्यू रखेंगे। सो जल्दी से कुक करते हैं, आज मेरा प्लान है चिकन बिरयानी बनाने का, सो यस चिकन बिरयानी बनाते हैं जल्दी से, लेट्स डू दैट। सो बिरयानी की मैं नन्ही सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बिरयानी के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ अनियन, टमेटो एंड हरा धनिया एंड पुदीना, दैट्स इट। और शान का मसाला यूज़ कर रही हूँ इस बार, मैंने पिछली बार यूज़ किया था उससे बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी। और ये जो शान का मसाला था मैं दिखाना भूल गई, पर मुझे लगता है कि वो था पुलाव बिरयानी मसाला। सो अनियन को मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है खूब सारे ऑयल में, उसमें मैंने वो शान का मसाला ऐड किया है जो मुझे लगता है कि मैं दिखाना भूल गई थी। और उसके बाद मैंने उसमें चिकन लेग्स ऐड कर दिए हैं, एंड देन जब थोड़ा सा मिक्स हो जाता है तो हम ऐड कर देंगे टमाटर, मिर्ची, कटा हुआ धनिया एंड पुदीना और हरी मिर्ची। और नमक आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो शान के मसाले में ऑलरेडी होता है। अब हम चिकन को कुक कर लेंगे तब तक जब तक पानी आधा नहीं रह जाता, और एक किलो चिकन में मैंने एक कप पानी डाला है। अब पानी कम रह चुका है तो मैंने राइस बॉयल करने रख दिए हैं साइड पे। राइस भी हम तब तक कुक करेंगे जब तक 85% राइस कुक हो जाते हैं, थोड़े कच्चे रहें उनको फिर मैं वो करी के ऊपर मिक्स ऐड कर दूँगी। एंड वंस सारे राइस ऐड हो चुके हैं तो जो चिकन की करी का थोड़ा सा पानी बचा है उससे बचे हुए राइस कुक हो जाएंगे। इसको मैं ढक दूंगी, अराउंड 10 मिनट में हो जाएंगे। और इसी तरह ये बिरयानी रेडी है, बहुत ज़्यादा आसान प्रोसीजर है। जब रेडी हो जाती है इसे गार्निश करें अगेन से पुदीने एंड धनिया के साथ। आप कलर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने कलर ऐड नहीं किया है क्योंकि मुझे ये नेचुरल कलर ही अच्छा लगता है। और ये बिरयानी बहुत लाजवाब बनी थी। सो हिम्मत की पढ़ाई का थोड़ा समय आ गया है, हिम्मत लिखने की प्रैक्टिस कर रहा है नंबर्स को। और सारे काम फिनिश करने के बाद मैंने थोड़ा और समय दिया मेरे आउटफिट को फिनिश करने के लिए। इसे फिनिश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि बहुत ही सिंपल था। और पहले तो मैंने सोचा था कि आउटफिट के काज बनाऊंगी बहुत बड़े बड़े, पर देन मुझे लगा कि मैं इसे सारी तरफ से बंद कर लेती हूँ। सो इसी तरह मेरा आउटफिट हो गया कंप्लीट, जो कि फुटेज मुझसे मिस होगी अगेन से। पर चिंता ना करें, मैं फ्यूचर में एक वीडियो शूट करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप एक आउटफिट को 5-6 डिफरेंट ढंग से कैसे स्टाइल करें कर सकते हैं, उसमें हम इसी को यूज़ करेंगे। सो यार ये पिक्चर देख सकते हैं कि ऐसे ये आउटफिट लग रहा था। सो यस, मैंने जो आउटफिट की वीडियो शूट की थी वो मुझसे मिसप्लेस हो गई है, और ये सारा टब्बर यहाँ पे इकट्ठा पता नहीं किस खुशी में हुआ है। तू ही कितना लबन है, तो मेमोरी कार्ड तो लूज हो गया। ओके, सो इस पिक्चर से आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये आउटफिट कैसा दिखता है। सो यस, आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा।
एंड प्लीज मेरे लंबी होगा तेरी फुटेज फुटेज इधर इधर घूमती फिर दी आओ कोई उसे उसे चुन दिया काट चे की कर दो हिम्मत तो यस दोस्तों आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा किया तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और दरवाजा पर ना दूं मैं मिलूंगी नए वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर और सही क्यों लड़न उन्हें क्यों हो गया एक्टर एक्टर वेखी किड़ा तगड़ा और देखो मारिया डैडी मिमी तो डैडी का पेज फाड़िया वे यस और नो बहुत तो एक आधी पढ़ाई कर रहे हैं नहीं इंजीनियर बनना दोबारा तो ओके दोस्तों आई लव यू गाइस सो मच बाय डैडी बाय कर दो बाय